व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे दम का मुर्ग। उम्मीद है नॉन वेज चाहने वालों खाने वालों को बहुत ही मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी ये रेसिपी शेयर कीजिए। खुद भी बनाइए और औरों को भी खिलाइए। चलिए शुरू करते हैं दम का मुर्ग। इसके लिए हमें चाहिए काजू, बादाम, मगज, खसखस, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, नमक, धनिया, हरी मिर्च और केसर मिला दूध, काली मिर्च और थोड़े से खड़े मसाले और नींबू का रस और कर्ड, जो हंग कर्ड होना चाहिए। अब सारे मसाले मिक्स करके हम 1.5 किलो के करीब जो चिकन है उसमें मिला देंगे और इसमें मैंने 2 चम्मच नमक भी डाल दिया। मैं अपने खड़े मसाले भी इसमें मिला दूंगी। अब इसमें धनिया पाउडर भी डाल देंगे, सौंफ पाउडर भी डालेंगे जीरा पाउडर भी मिला देंगे और 2 से 2.5 चम्मच के करीब हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे। अब जो काजू, बादाम और मगज हमने भिगोए थे उनको पीस के इसमें मिला देंगे और 2 कप दूध जो मैंने केसर वाला रखा था वो भी इसमें मिला दिया। अब जो हंग कर्ड है ये भी इसमें मैं 200 ग्राम के करीब है ये भी इसमें मिला दूंगी। धनिया, हरी मिर्च और थोड़े से पुदीने के पत्ते भी इसमें मिला देंगे और 2 नींबू का रस भी इसमें मिला देंगे। इन सबको मिक्स करेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इनको मिक्स करने के बाद हम इसको 1 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं ताकि हमारा ये दम का मुर्ग और अच्छा बने, लेकिन कम से कम हमें 4 घंटे तो इसको रखना ही है मैरिनेशन के बाद। अब ये हमारा मैरिनेट हो चुका है चिकन, इसमें अब मैं 200 ग्राम के करीब देसी घी भी मिला दूंगी। देसी घी को भी मिक्स करेंगे और मैरिनेट करने के लिए अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। अब एक भारी तले का तवा लेंगे। ये मेरा तवा जो है कास्ट आयरन का 8 से 9 किलो के करीब का इसका वेट है। इसको रखेंगे और 1 बर्तन में चिकन को मैरिनेट वाले को ट्रांसफ़र करेंगे और उसी में मैंने 1.5 कप के करीब मेरा प्याज है जो फ्राई किया हुआ वो भी मिला दूंगी। अब अच्छे से इन सबको मिक्स करने के बाद 5 मिनट हमें गैस को फुल आंच पे रखना है और उसके बाद फ्लेम को हमें कम कर देना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। अब इसको हम दम दे देंगे। दम देने के लिए मैंने फॉइल पेपर लगा दिया और ढक्कन लगा दिया अच्छे से ऊपर। अब इसको 50 से 55 मिनट के करीब हम सिम पे गैस को चलने देंगे। देखिए 55 मिनट के बाद हमारा चिकन बिल्कुल दम का मुर्ग कितना फर्स्ट क्लास बन के तैयार हो चुका है। अब इसको तंदूरी फ्लेवर देंगे। एक कोयले को मैंने जला के उसके ऊपर देसी घी डाल दिया है और इसको ढक देंगे। जब तक ये धुआं इसके अंदर रहेगा और ये इतना अच्छा स्मोकी फ्लेवर देगा कि खाने में भी मज़ा आएगा और देखने में भी। अब इसको हम चिकन को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। लीजिए, हमारा दम का मुर्ग बनके तैयार है। थैंक यू। खाइए और खिलाइए।